अब वहीं यूपी के कानपुर में जबरन धन परिवर्तन कराए जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि वहां करनलगंज इलाके में कुछ हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद वहां मारपीट का मामला भी सामने आया। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ परिवारों ने वहां से घर बेचकर जाने का फैसला कर लिया और इसके लिए अपने घर की दीवार पर लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। भैया इसलिए बेच रहे हैं, ये सामने वाली बहुत खतरनाक औरत है, मुसलमान है, कह रही है कि यहाँ से खाली करो। क्यों? इसलिए कह रही है कि यहाँ से पाकिस्तान बनेगा। हाँ। कह रही है यहाँ से पाकिस्तान बनेगा, ऊपर चढ़ के थूकेगी, चर्बी डारेगी, हड्डियाँ डारेगी, मेरे घर में छत में डारेगी, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उसको है तो देखो मार पीट करें ना, उसके बिटियन का खींच खाँच के कपड़े लत्ते फाड़े। और क्या कहते हैं ये लोग आपको? बस यही कह रहे हैं कि मुसलमान में सवाद मिलता है, हम लोग धर्म में आ जाओ तो सवाद मिलेगा। एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए किंतु सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि भविष्य में इस इलाके में कोई भी इस तरह की बदतमीजी अपराध करने का ना सोचे। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं लाइव। अजीत नमस्ते, और हमारे साथ चंदन जजवाड़े भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अजीत इस वक्त आप कहां पर हैं और ये करनलगंज का जो मामला है, ये छेड़खानी का मसला है, जबरन धर्मांतरण का मसला है या फिर नूरपुर जैसा हुआ था वैसा कोई मसला है? क्योंकि दो समुदायों में भेदभाव है और इसीलिए एक समुदाय जो है प्रताड़ित होकर वहाँ से पलायन की बात कर रहा है। देखिए बिल्कुल आनंद, मैं उस घर में बैठा हूँ उस परिवार के साथ जिसने अपने घर के बाहर ये लिख दिया था कि ये मकान बिकाऊ है और हम यहाँ से पलायन करना चाहते थे। वजह यह है कि यहाँ सिर्फ 10 घर हिंदू फैमिली के हैं, बाकी सब मुस्लिम फैमिली के। इनका ये आरोप है कि ये लगातार धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, कहते हैं काफिर बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे, या तो छोड़कर चले जाओ। उस परिवार की जो पीड़ित है उनकी माँ यहाँ मौजूद है, बताइए क्या परेशानी है, क्यों अपने घर के बाहर लिख दिया पलायन करना है? अरे हमको परेशान करा जा रहा था तो हम लिखा था कि हम घर पलायन कर रहे हैं। क्या होता था यहाँ? यहाँ थोड़ा अजीब गरीब काम होती थी, ऐसे अटैक करा जाता था लड़कियों पर, छेड़छाड़ करा जाता था लड़कियों पर। और क्या कहते थे वो लोग? कहते थे कि घर पलायन करो, कहते वो लड़कियों पर वो करो, हमारा घर कपड़ हो तुम लोग कपड़ यहाँ से छोड़ कर जाओ। धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आई? धर्म परिवर्तन की बात आई ऐसे कि कह रहे हैं कि लड़की क्या कह रही बताइए। अरे आप बताएं, धर्म परिवर्तन की बात क्यों हो रही है? कहते थे कि आप घर छोड़ के जाओ ना तो हमारा हाथ लड़कियां दे, तो हम इतना कहाँ ये सब कर पाएंगे ज़्यादा। क्या हुआ था बेटा बताओ? बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन है तो मुसलमान बन जाओ, हिंदू बन, हिंदू नहीं बनना, मुसलमान बन जाओ। आप लोगों के साथ क्या करते हैं लोग जब आते हो? आप छेड़खानी करते हैं, गंदी गंदी वो कमेंट्स करते हैं। और क्या कहते हैं बताओ आप विस्तार से? बोलो बहुत गंदी गंदी बात बोलते हैं, बहुत गंदी, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बोलते हैं हिंदू वो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। हाँ। जबरन बनाना चाहते हैं कि जबरन बनाना चाहते हैं? हम लोग ऐसा नहीं है, उन लोग जबरन बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं कि जबरदस्ती हम लोग के साथ ऐसा करते हैं। अब हम लोग के साथ पुलिस है, हम लोग के साथ वो है प्रदर्शन। घर है आप लोग कितने? 10 घर है, 10 घर। वो लोग कितने? उन लोग तो पूरे पटरी है, पूरी पटरी है, पूरी पटरी है। कब से हो रहा है ये पूरा वाक्य, कब से हो रहा है ये? तो अत्याचार तो बहुत दिन से चला था, बाकी अब तो 2-3 महीना से कुछ ज्यादा ही चलने लगा। ये अफ्ताब जोहरा है, गुड्डू है, खुशनुमा है। तो पुलिस में आप लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हम लोग का साथ दिया, तुरंत आए हम लोग इनके भाई साथ, तुरंत दिन से तुरंत हम लोग को सुनवाई भी करी था पुलिस वाले। अभी भी आपके घर के बाहर पुलिस लगी है? हम लोग हमारा साथ पुलिस लगी है, 10 रोज 12 पुलिस रोज लगी रहती है, 2400 घंटा हम लोग के पास पुलिस लगी रहती है। हम लोग इनके साथ दे रही हैं, हर पुलिस हर मौके पर हम लोग को काम दे रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
तो देखिए आनंद, ये वो परिवार है जो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि वो बच्ची भी है जिसके साथ वाकया होता है, कि ये छेड़खानी करते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं कि जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर यहाँ रहना है तो मुस्लिम बन जाओ। तो कई सारे आरोप ये फैमिली लगा रही है अपने घर के बाहर, इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि अब हम ये बेच कर यहाँ से चले जाएंगे और पलायन कर लेंगे। पर अजीत, ये जो ये नूरपुर में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जो मुस्लिम समुदाय से ये तर्क आया था कि हम तो सालों से साथ में रहते हैं, अचानक ये 2-3 महीने में माहौल इतना कैसे खराब हो गया? तो ये लोग वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से जो है बात है जो खराब होने लगी है, बिगड़ने लगी है, और वो कह रहे हैं कि महिलाओं को छेड़ा जाता है। तो ये जो छेड़ रहे हैं इनकी क्या गिरफ्तारी हुई है? उधर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये आप लोग कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग नवासी से रह रहे हैं, मतलब काफी दिनों से, 30-35 साल से रह रहे हैं। हाँ, ये झगड़ा अभी क्यों शुरू हुआ? अभी शुरू हुआ कि अब इन लोग, पहले ऐसा नहीं लड़ाई होती थी, पहले होती थी तो छोटा मोटा ऐसे वैसे हो जाती थी। अफ्ताब आए हैं जब से ये हो रहा है। अफ्ताब कौन है? ये इनका भाई, जोहरा का भाई। जब से वो आए हैं, जब से हो रहा है, जब से ही रहा है, जब से 4-5 साल से ज्यादा लड़ाई होने लगा। इतना लड़ाई नहीं होती थी, कोई लड़ाई यहाँ होती ही नहीं थी। पुलिस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? हाँ, उन लोग के खिलाफ तो लड़ाई कर रहे हैं, कार्रवाई तो कर रहे हैं पुलिस, और वो भी लोग पकड़े गए हैं। रहमान अफ्ताब नहीं पकड़े गए, ना जोहरा पकड़े गए, वो लोग के घर के भी नहीं पकड़े गए, वो लोग भाग गए हैं। अच्छा, भाग गए? उन लोग फरार हैं। तो आप लोग घर से निकल रहे हो? नहीं, अभी हम लोग घर से तो नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए, ये लोग 89 से यहाँ रह रहे हैं आनंद, यानी लंबा अरसा बीत गया, 30 साल से अधिक समय हो गया, कभी विवाद नहीं होता था। एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति आया जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और लगातार ये विवाद चल रहा। हालांकि कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी जो पीड़ित हैं, जो बच्ची है, जो उनकी माँ, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी आफ्ताब की गिरफ्तारी पुलिस नहीं की है, लेकिन इस पूरी गली में पुलिस की जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और एक लाइन से 10 परिवार ये हिंदुओं के हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि पुलिस और प्रशासन इनके साथ खड़ा है जी। तो